सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने सुधीर कुमार त्रिपाठी। और अब किसी भी कीमत पर ध्यान रखिएगा, समाप्त हो जाएगा पाचन तंत्र। कई स्टेप में हमने आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ अब समाप्त ही हो जाएगा। तो चलिए, हमने आपको बताया था आपके मुख में बोलस बनता है, पिछले 5-6 वीडियो जो बनी है वो पाचन तंत्र से संबंधित है। और याद रखिएगा, मैंने आपको मुख में बताया था माउथ से पाचन शुरू हो जाता है और छोटी आंत में समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा, मुख में खाना पचता है तो बोलस बनता है, आमाशय में पचता है तो काइम बनता है। अब हम आपको दो स्टेप और बताएंगे, अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम और छोटी आंत में पाए जाने वाले एंजाइम, फिर आपका पाचन क्रिया समाप्त हो जाएगा। देखिए, जब हम माउथ की बात करते हैं तो माउथ में हमने खाना बनाया था बोलस। बताइए, क्या यहां पर आपका तीनों खाना पच गया था, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन? जी नहीं, ध्यान रखिएगा, हमने सिर्फ यहां पर कार्बोहाइड्रेट पचाया था। फिर दूसरे स्टेप पर हमने बनाया था काइम, यहां पर हमने प्रोटीन बचाया और यहां पर हमने फैट भी पचाया। लेकिन यहां भी तीनों खाना पचने में दिक्कत हुई। इसका मतलब यह हुआ कि अग्नाशय एक ऐसा अंग है जो छोटी आंत से जुड़ा होता है। याद रखिएगा, इस अग्नाशय में तीन ऐसे एंजाइम होंगे जो तीनों खाने को बड़ी आसानी से पचा देंगे। इसका मतलब क्या, हम तीनों खाने का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, क्योंकि यही पचते हैं और कोई नहीं पचता। तीनों खाने में को पचाने की क्षमता अग्नाशय में होती है, इसलिए इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम को टोटल डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है, यानी पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम। तो देखिए, अग्नाशय में कौन कौन एंजाइम होंगे, ध्यान से समझिएगा। पैनक्रियास, पहला वाला याद रखो, नाम है ट्रिप्सिन। दूसरा नाम क्या है, अमाइलेज। और तीसरा नाम क्या है, लाइपेज। तो याद रखिएगा, ट्रिप्सिन आपको जरूर याद रहना चाहिए, अमाइलेज भले भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लाइपेज भले भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम किस स्थान पर पाया जाता है, तो नाम था क्या, पैनक्रियास। ये क्या करता है, ये प्रोटीन को और छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा और उसका नाम है पॉली पेप्टाइड, यानी और छोटे टुकड़ों में टूट गया और जो बचा कुचा स्टार्च था वो फिर से किस में बदल गया, माल्टोज में बदल गया। और आपका जो फैट था वो फिर से फैटी एसिड में बदल गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को पचाया, एमाइलेज ने स्टार्च को और लाइपेज ने फैट को। इस प्रकार तीनों खाना पच गया और अग्नाशय के रस को इसीलिए हमने पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। अब आइए थोड़ा सा छोटी आंत में। तो अब हम आपको बताएंगे छोटी आंत में पाए जाने वाले एंजाइम का विवरण। तो खाना और सरकेगा थोड़ा सा नीचे और अब आप जानिए छोटी आंत में पाया जाने वाला एंजाइम, क्योंकि एंजाइम ही पाचन है, पाचन ही एंजाइम है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, चीजों को शब्दों के आधार पर समझिए ताकि आसानी से आपको समझाया जा सके। तो छोटी आंत में पाया जाने वाला एंजाइम, उसमें भी पहला ही याद रखिए, एरैप्सिन। इसके अलावा दूध में कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज, एंजाइम का नाम है लैक्टेज। चीनी में कौन सी होती, सुक्रोज, एंजाइम का नाम है सुक्रेज। और रोटी में होता है माल्टोज, एंजाइम का नाम है माल्टेज। तो देखिए, एरैप्सिन क्या करता है, एरैप्सिन करता है प्रोटीन को
ऐसा बना देगा कि अब आप उसको अवशोषित कर देते हैं अमीनो अम्ल में। लैक्टोज क्या करेगा, ग्लूकोज को, सॉरी लैक्टोज क्या करेगा, लैक्टेज, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। और इस प्रकार से आपका खाना पहले बोलस था, फिर काइम हुआ, और अंत में आपका खाना काइल हो गया। छोटी आंत में पचे हुए भोजन को काइल कहते हैं, उसमें गंदगी भी मौजूद होती है जो ब्लड के द्वारा अवशोषित होती है, और उस गंदगी को जिसको यूरिया कहा जाता है, आपको मैंने बताया था अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम किसका होता है, लीवर का होता है। और वही लीवर जब अमोनिया को यूरिया में बदलता है तो उसको हम फिल्टर करने का काम कहाँ करते हैं, किडनी में करते हैं। तो अब हमारे ब्लड में यूरिया भी मौजूद है और क्या मौजूद है, ग्लूकोज भी मौजूद है। तो अब हम ग्लूकोज से यूरिया को अलग करेंगे और इस प्रक्रिया के लिए हमें किडनी की ओर जाना होगा और किडनी आपको समझाना होगा। तो मुख में बोलस बना था, पेट में काइम बना और छोटी आंत में काइल बना। तो अब काइम बनने की प्रक्रिया दो एंजाइमों ने पूरा किया था, टाइलिन और लाइसोजाइम। और काइम बनने की प्रक्रिया में एससीएल नाम का अम्ल, उसके अलावा पेप्सिन और रेनिन था, लेकिन काइल बनने में ट्रिप्सिन भी था, एमाइलेज भी था, लाइपेज भी था, और साथ ही साथ और 20 चीजें थी, नाम है रैप्सिन, लैक्टोज। इन एंजाइम्स को जरूर याद रखिएगा, बहुत ही आसान है। एग्जाम का अब दो प्रश्न मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला प्रश्न सुनिएगा, ऐसा कौन सा है इनमें से, चार ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है। ऑप्शन में दिया था पेप्सिन, रैप्सिन, ट्रिप्सिन और इंसुलिन। आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था, कि आखिरकार इंसुलिन हार्मोन है ना कि एंजाइम है। तो याद रखिएगा, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, एंजाइम नहीं है। अब आपके एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा गया था जो आईएएस का प्रश्न था, ये बताइए पाचन क्रिया में प्रथम क्रिया कौन सी होगी इनमें से। पहला क्रिया क्या था, पित्त रस भोजन में मिलेगा, पहली क्रिया। दूसरा, अग्नाशयी रस भोजन में मिलेगा। तो आप बताइए पहले कौन भोजन में मिलेगा, पित्त रस या अग्नाशयी रस। तो ध्यान रखिएगा, पित्त रस पेट में मिलता है और अग्नाशय छोटी आंत में, और डेफिनेटली छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में ही अमाशय होता है। तो इसका उत्तर होगा पित्त रस भोजन में प्रथमतः मिलता है। दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं, यह प्रश्न पूछा गया। जीवन में दांत कितनी बार निकलते हैं, दो बार निकलते हैं, यह प्रश्न भी पूछा गया। इसके अलावा अग्नाशय में कौन सा एंजाइम होता है, यह भी पूछा गया। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है, यह भी पूछा गया। और इसके अलावा जीभ में खट्टे का स्वाद या कहां से लिया जाता है, किनारे से, लैटरल पार्ट से, यह भी पूछा गया। जीभ की लंबाई भी पूछी गई, और साथ ही साथ ये भी पूछा गया कि आखिरकार कौन सी सबसे मजबूत मांसपेशी होती है, कौन सा ऐसा अंग है जो सबसे भारी होता है, तो वो लीवर होता है। कौन सा ऐसा अंग है जिसको पुनः उद्भव किया जा सकता है, उसका नाम लीवर है। तो इन्हीं सब स्टेप्स के माध्यम से और प्रश्नों के माध्यम से पाचन क्रिया का वीडियो अब समाप्त होता है, और अगली स्टेप में हम आपको किडनी समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपने खाया, पचाया, निकाल दिया, और अब हम उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं कि आखिरकार हमने खाना क्यों खाया था। तो सुनिएगा, हमने खाना खाया, क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, इसमें एक चीज मौजूद थी यूरिया। अब हम इस यूरिया को क्या करेंगे, अलग करेंगे। अलग करते ही यूरिया अलग हो जाता है किडनी के माध्यम से, फिर हम ऑक्सीजन जोड़ेंगे और ऑक्सीजन को जोड़ करके जलाएंगे। तो जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और फिर बाद में जब ग्लूकोज टूटेगा तो आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा। तो खाना खाने का उद्देश्य एकमात्र है ऊर्जा लेना। तो पहले खाइए, फिर निकालिए, और फिर जलाइए,
और जैसे ही जलेगा आपको ऊर्जा मिलेगी। ग्लूकोज के टूटने से आपको ऊर्जा मिलती है, ग्लूकोज के जुड़ने से आपको ऊर्जा नहीं मिलती। तो सुनिए, पहले खा लीजिए। अक्सर अध्यापक क्या करता है, श्वसन तंत्र पढ़ाता है, रेस्पायरेशन, उत्सर्जन पढ़ाने लगेगा। अरे ये बताओ, पहले खिलाओगे तभी ना निकालोगे, बिना खाए ही निकालोगे, ज्यादा जोर लगाओगे ब्लड बाहर आएगा। तो इसीलिए याद रखना, पहले खा लीजिए, फिर पचा लीजिए, फिर निकालिए यानी किडनी जानिए, और फिर उसके बाद श्वसन जानिए, जिसमें आप ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जोड़ेंगे और आप ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तो लोग कहते नहीं हैं कि ऑक्सीजन क्या हवा खा के जिंदा रहोगे, वो कहावत गलत नहीं, सत्य है, क्योंकि हवा से कोई जिंदा नहीं रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना खाना अधूरा है, खाने के बिना ऑक्सीजन अधूरी है। दोनों के पूरक कई क्रियाएं हैं जो मैं आपको आगे की वीडियो में समझाता रहूंगा। मैं फिर कहूंगा, गवर्नमेंट्स जॉब एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आपका भविष्य बनता रहे और हम आपके भविष्य को बनाने में मदद करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।